बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बार बार मिसिंग करती है, गाड़ी बंद हो जाती है, तो इसका एक बार मैग्नेट कोइल का रेजिस्टेंस वगैरह चेक करेंगे, रेक्टिफायर चेक करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी इसके इस वजह से करंट नहीं बन रहा है या बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, वो सारी समस्याएँ चेक करेंगे। यहाँ एक ऑयल रिंग लगी होती, कभी कभी ये साथ में आई थी, तो इसको वापस वहीं लगा देंगे। और अब इसको मैग्नेट कोइल को खोल करके चेक करेंगे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है और कहीं से कोइल जली हुई तो नहीं है। जल्दी दिख रही है मेरे को, मेरे हिसाब से तो इस मैग्नेट कोइल का रेजिस्टेंस चेक करना रहेगा। 200 ओम पर मल्टीमीटर को सेट करेंगे और 0.8 से 1.5 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसमें तीन वायर होते हैं येलो कलर के कपलर के अंदर, इन तीनों कपलर के अंदर 1, 2, 2, 3, 3, 1 इस तरह से वाइस वर्सा मल्टीमीटर के इनको कपलर पिन को लगाएंगे और चेक करेंगे कि 0.8 रेजिस्टेंस आ रहा है या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 0.8 होना चाहिए, तो इसमें 13 आ रहा है, ये 28, 26 बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब तो यार 25 आ रहा है, 26 ये अलग अलग पिंस के अंदर लगा रहे हैं हम, तो अलग अलग आ रहा है मतलब। देखो नहीं लाओ, तो ये है नई मैग्नेट कोइल। अब नए वाले मैग्नेट कोइल के अंदर सेम वही फंक्शन, सेम उसी तरह से आपको, मतलब ये जो बड़ा वाला कपलर होता है इसमें तीन वायर हैं येलो कलर के, इसका रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 0.8 होना चाहिए, तो वो हम चेक करेंगे तीनों तारों। 0.9 आ गया, इस वाले से दूसरे में चेंज करके इधर से इधर लगाएंगे। मतलब तीनों में इधर से उधर किधर भी चेक करो, 0.8 होना चाहिए। ये हमने इसके अंदर फिट कर दिया मैग्नेट कोइल, ये हमारी पल्सर कोइल है, इसका हम इसके आमने सामने होना चाहिए। पूरा लगी नंबर देखें तो वो स्पेशल बना दिया। तो महावीर जी करो इसको स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि अब ये बैटरी में करंट आ रहा है या नहीं हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही नहीं हो रही है। 20 एम्पर पे सेट कर लिया इसको हमने, ठीक है, ये 20 पे सेट हो चुका है। अब इसको हम चेक करेंगे, अभी बैटरी में करंट है 7। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करो। ऊपर लगा कर रखा ना, पढ़ने लग गए जाओ सामने आ जाओ मेरे।
इसके अंदर करंट 700 ऊपर जाएगी ज़्यादा, मतलब कोई बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, 700 ऊपर नहीं बढ़ रहा था। मैगनेट कोई ना रेजिस्टेंस मैंने चेक किया, 0.8 रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस 15-16 बहुत ज़्यादा बता रहा था, मतलब 0.8 से 1 होना चाहिए। आ रहा था 15-20-25। वीडियो के अंदर आपको दिखाया हुआ मैंने, अब आवाज बैटरी चार्ज होगी 12 वोल्ट करंट आ चुका होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ेंगे। चलो ठीक है, अब इसे थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ देंगे, उसके बाद इसको राइड एक बार चला करके देखना पड़ेगा। तो हमारा काम किया सक्सेसफुल, ब्रेकेट कोई डालने के बाद ठीक होंगे, चल रहे थे बैटरी चार्ज। तो आपने देखा कि किस तरह से गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। बाइक के अंदर हमने चेक कर लिया, स्टार्ट होने की थी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हो रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी, उन्होंने बैटरी नहीं डलवा ली। बैटरी भी डलाने के बाद कुछ समय तक चली, पर बैटरी भी वापस बार बार डाउन हो जाती, फिर भी ये परेशानी करे, चलाते रहे कहीं समझाती है। जब थोड़ा बहुत करंट होता है तो कल्चर रहता है, जब नहीं होता तब वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाती, गाड़ी कभी भी बंद हो जाती है। मतलब हमने ये मैग्नेट कोइल चेंज कर दी इसके अंदर, ये आपके सामने अभी ये थोड़ा सा जली हुई भी है, इस जगह से दिख रहा है ये मैग्नेट कोइल जल गई, इसलिए रेजिस्टेंस पुराने बता देते। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम आपको बता दें, माता ये हमारे चैनल का नाम है राव ब्रदर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ा आएगा। आगे भी इस तरह की रॉयल एनफील्ड और कारों से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।